134A योजना खत्म करने के बाद हरियाणा सरकार ने RTE स्कीम के तहत गरीब परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। गरीब परिवारों के बच्चे RTE एक्ट के तहत नजदीक के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क पढ़ सकेंगे। ऐसे बच्चों को स्कूल की पहली कक्षा में ही दाखिला मिल सकेगा। वहीं इसे लेकर अम्बाला शिक्षा विभाग द्वारा सोमवार को खंड शिक्षा अधिकारियों और प्राइवेट स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी को हरियाणा सरकार की RTE एक्ट को लेकर नई गाइडलाइन बताई गई और सभी प्राइवेट स्कूलों को इस योजना के तहत गरीब बच्चों के दाखिले करवाने के लिए आदेश दिए गए। आज सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और प्राइवेट स्कूलों के पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई थी, जो RTE राइट टू एजुकेशन के ऊपर थी कि जो बच्चा 1 किलोमीटर के दायरे में यदि कोई प्राइवेट स्कूल है और वहाँ पढ़ना चाहता है तो बच्चा, तो उसमें दाखिला ले सकता है RTE के तहत। लेकिन वो बच्चा या तो SC का हो, ST का हो, दिव्यांग हो, विडो का हो, या ऐसे कैटेगरी का हो जो EWS हैं, मीन्स जिसकी 1,80,000 रुपये से कम हो लेकिन माँ बाप की इनकम है, वो बच्चा वहाँ अप्लाई कर सकता है। यही थी, जो पदाधिकारी थे स्कूलों के, मुखिया भी आए हुए थे, सभी खंड शिक्षा अधिकारी आए हुए थे, उन्हीं को इस बारे में बताया गया कि वो दाखिले प्रक्रिया स्टार्ट है। कहीं कहीं पता लगा था कि कोई स्कूल मना करता है कि यह फार्म नहीं लेंगे, तो उनको प्रोसेस बता दिया गया कि फार्म के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता। RTE के लिए फार्म रखेंगे 25 तारीख तक, ये दाखिले के जो फार्म है माँ बाप या बच्चा विद्यालय में जमा कराएगा। उसके बाद यदि ज़्यादा हो जाते हैं फार्म किसी सीट के अनुसार, 25% सीट से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उन विद्यालय वाले अपने लेवल के ऊपर माँ बाप को बुला करके ड्रा करेंगे, तो ड्रा में जिस बच्चे का दाखिला होगा वो दाखिला होगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन अप्लाई करवाया जा रहा है। खास बात ये है कि RTE एक्ट के तहत बच्चों का दाखिला किसी भी प्राइवेट स्कूल की शुरुआती कक्षा यानी नर्सरी या पहली में ही हो पाएगा। अभिभावक अपने घर से 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्राइवेट स्कूलों के लिए ही अप्लाई कर सकेंगे। इस योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों को 25% सीटें आरक्षित रखनी होंगी। पहली क्लास या उससे नीचे की क्लास, जो क्लास जिस स्कूल में शुरुआती क्लास है, मान लिया LKG है, किसी में नर्सरी है, किसी में पहली क्लास है, केवल उसी एक क्लास के अंदर जो उसकी स्टार्टिंग क्लास है उसमें 25% सीटें SC ST विडो के बच्चे, दिव्यांग और 1,80,000 से कम इनकम वाले माँ बाप हैं, उन बच्चों के लिए आरक्षित हैं, रखी गई है। केवल 1 किलोमीटर के दायरे में ये रूल लागू होता है, बाकी बच्चा कहीं भी अपनी फीस दे करके पढ़ाई कर सकता है। उस स्कूल के ऊपर कोई भी रूल लागू नहीं होगा, वो स्कूल किसी बच्चे का दाखिला करने के लिए बाध्य नहीं होगा। वहीं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि किसी भी स्कूल में 25% से ज्यादा आवेदन आने पर ड्रॉ के माध्यम से बच्चों का चयन होगा। साथ ही इस योजना को अपने स्कूल में लागू न करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। अम्बाला से मन कपूर, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।